हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मैं साक्षी आप सभी का सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि कल हमें देखने को मिला है कि व्यापम ने फिर से अपना शेड्यूल को चेंज किया है, तो आइए जानते हैं कि व्यापम ने यहां पर कौन कौन से एग्जाम का शेड्यूल चेंज किया है, क्योंकि अभी तक आप सोच कर बैठे थे कि इस तारीख को हमारा एग्जाम है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन को कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर व्यापम ने अपनी डेट को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आपके पास एक और एडवांटेज हो गया है कि आपको तैयारी के लिए थोड़े से कुछ और दिन मिल गए हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम अपनी तैयारी तो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर एक दिन भी हमें प्लस मिल जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स फील तो होता ही है। तो यहां पर व्यापम ने, आइए जानते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में चेंजेस किया है। तो यहाँ पर अगर बात करें, जो ग्रुप वन के अंतर्गत हमारी कृषि की वैकेंसी आई थी वो तो 15 जुलाई से व्यापम ने एज इट इज़ रखी हुई है भाई, उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। सबसे बड़ा चेंज हुआ है वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम था। फ्रेंड्स ध्यान देना, यहाँ पर वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी का एग्ज़ाम होने वाला था 11 मई से स्टार्ट, लेकिन यहाँ पर व्यापम ने चेंज कर दिया है और वो एग्ज़ाम अब स्टार्ट होगा 22 मई से। तो यहाँ पर व्यापम ने कुछ दिन बढ़ाए हैं, तो कुछ दिन में आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो क्या है अपने एक्स्ट्रा कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो अगर व्यापम ने टाइम थोड़ा सा चेंज किया है तो यहाँ पर आप ध्यान देना, क्योंकि 10 दिन भी हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत होते हैं कि हम अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जेल रक्षक, वन रक्षक और जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो क्या करना है, स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से करती जानी है। क्योंकि पटवारी से व्यापम ने सोचा होगा कि बहुत थक चुके हैं, एग्ज़ाम को 10 दिन और बढ़ा दिया जाए, तो व्यापम ने वही किया, एग्ज़ाम को 10 दिन और बढ़ा दिया। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ भी है और कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा बुरा भी लगेगा कि व्यापम ने ऐसा किया क्यों, क्या व्यापम ने इस डेट को बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। कि यहाँ पर हम एक तरीके से ऐसा सोच सकते हैं कि व्यापम डेट को आगे बढ़ा रहा है तो इसका मतलब कहीं एग्ज़ाम और पोस्टपोन तो नहीं होंगे। तो जब तक हमारे पास एडमिट कार्ड नहीं आ जाते तब तक हम ये नहीं सोच सकते कि 22 मई को ही हमारे क्या होंगे, एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि व्यापम कुछ भी कर सकता है। हम बिल्कुल रिलायबल उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम डेट बढ़ाने की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। भले ही उसने अगर एक दिन बढ़ाई हो, 10 दिन बढ़ाई हो, लेकिन डेट तो बढ़ाई है। और हम शुरुआत से जानते आ रहे हैं कि अगर व्यापम ने एक बार डेट बढ़ाना शुरू किया, तो क्या होता है, इस बात से आप भली भांति वाकिफ है। तो यहाँ पर उसने केवल इस एग्ज़ाम के साथ ऐसा नहीं किया है कि अपने दिन को थोड़ा सा और खिसकाया है, बल्कि उसने क्या है, अपने रिलैक्स मोड को यहाँ पर भी खिसकाया है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो हाई स्कूल का, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल का एग्ज़ाम तो हो चुका है, जो मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था, यहाँ पर जो हमारे टेंथ क्लास के लिए जो हमारा क्या होता है, मिडिल स्कूल टेट होता है, वो उसके लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन कब होना था, पात्रता परीक्षा थी 26-27 अप्रैल से होनी थी, लेकिन यहाँ पर उसको व्यापम ने क्या कर दिया है, 2 मई से कर दिया है। फ्रेंड्स कब से कर दिया, 2 मई। अब 4-5 दिन खिसकाया है व्यापम ने, तो क्यों किया है ऐसा हम नहीं जानते, लेकिन हम इसी संशय में थे कि अभी तक हमारे पास एडमिट कार्ड आया क्यों नहीं है। हम क्या कर रहे थे, उसका वेट कर रहे थे कि भाई एडमिट कार्ड आया क्यों नहीं है, और ये सोचकर बैठे थे कि 26 अप्रैल तक तो किसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, पटवारी के, तो फिर एमपी टेट के कब होंगे। हम इसी का वेट कर रहे थे कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, क्योंकि क्या है, आज 20 अप्रैल हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या है, एडमिट कार्ड नहीं आया, और पेपर 6-7 दिन बाद पेपर है। तो क्या है, क्यों नहीं आया एडमिट कार्ड, व्यापम अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहा था, क्या पता पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ा तो नहीं रहा था। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, अपने जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उसने एग्ज़ाम डेट कर दिया है यहाँ पर 2 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, आपने जो टेट का एमपी टेट है वो 2 मई से स्टार्ट होगा। तो इसीलिए आपके एडमिट कार्ड नहीं आया है और 2 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो फिर आपके पास क्या है, धीरे धीरे एडमिट कार्ड भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो दो बड़े एग्ज़ाम हैं हमारे सामने, उसमें क्या है, व्यापम ने चेंज कर दिया है। अगर आपको 4-5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो अपनी तैयारी को इन 4-5 दिन में थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तैयारी तो हम अभी भी कर रहे हैं, और जब तक हम किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं ले लेते तब तक हम तैयारी करते ही रहेंगे, चाहे हमें कितना भी टाइम लगे, लेकिन नौकरी हम लेकर रहेंगे, ये हमारा। तो यहां पर भी हमें यही करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।